दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। अरे वर्षा वैशाली दोनों, अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे रहने दो, रहने दो। अरे बहनी तुम दोनों, बाबा आपका गरम कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसी हो? बहुत अच्छे हैं। और तुम आज ऑफिस नहीं गई? हाँ मैंने आज छुट्टी ले ली, बहुत सारा काम पेंडिंग था, सुबह से वही कर रही हूँ। और बाबा ये क्या, अब वापस दवाइयाँ ले रहे हो? मैं जब भी आती हूँ आप नई दवाई लेते हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हो या नहीं? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तेरी आई है ना, खिलाती रहती है दवाई मुझे और कुछ नहीं। और आप खाते आई? अरे वर्षा वैशु खुश रहो, खुश रहो, ठीक हूँ। लेकिन तुम दोनों इस तरह अचानक, जरूर कोई काम होगा। क्यों, काम के बगैर आना यहाँ पर मना है क्या? हमने थोड़ी मना किया है, लेकिन तुम दोनों बगैर काम के आते ही नहीं। आई तो एक बार कहकर तो देख, हम दोनों यहीं पर रह जाएंगे। अच्छा चलो बैठो बैठो, पहले बैठो तो सही। खूब जाले तुम जा गोड़ा। अच्छा आई, जो बात मैं बताने आई थी वो तो भूली गई, मेरी शादी की सालगिरह है, तो मैंने और सतीश ने एक छोटी सी पार्टी रखी, तो मैं आप सबको इनवाइट करने आई। आई आपको और बाबा को आना है, और बहनी आपको दादा के साथ आना है। हाँ? अरे हाँ भाई, हम सब लोग आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन पहले ये तो बता कि पार्टी है कहाँ, घर पर या कहीं? नहीं घर पर नहीं, धानी विलेज है ना, वहाँ पर अरेंज किए। अच्छा आई ये क्या है? ये मैं अपने नाती के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ उसके लिए छोटी सी चेन या ब्रेसलेट बनवा दूँ, कैसा रहेगा? क्या जरूरत है इन सब की? देख ये मेरे और मेरे नाती का आपस का मामला है, तू बीच में मत आ, समझी ना? हाँ समझी, कोई लापरवाही मत करना, भारी सामान मत उठाना, तू खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली है, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करना, समझी? तुझे तो मैं देख लूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब तू खुशखबरी सुनाएगी ना तब। क्या आई कुछ भी बोलती है तू? आई तू उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, ताई ने अब उसके बारे में भी सोच लिया। वैशु क्या बोल रही है? कह रही हूँ ना मुझे आज ही वो दादा। कैसे हो दादा? मैं बिल्कुल ठीक, तुम दोनों एक साथ? दादा मैं पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ, हमारी शादी की सालगिरह है और आपको और बहनी को जरूर आना है। जरूर आएंगे। चलो आई अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे इनविटेशन देने बाकी और बहुत सारे काम है। नहीं नहीं बाद में आऊंगी। अच्छा चल चल। मानव 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 मानव, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें? वो सॉरी यार मैं। अच्छा वो सब छोड़, पहले बता तुम लोग हो कहाँ, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? न जाने कितने दिनों से कोई आता पता नहीं तुम्हारा। अजीत वो पहले जहाँ रहता था ना उसके पीछे वाली गली के चौल में रहता हूँ, सुबह सुबह एक छोटे से मैकेनिक की नौकरी करता हूँ और शाम को एक पार्ट टाइम जॉब वो करता हूँ। अच्छा लेकिन शाम को कहाँ जाना पड़ता है? भाई एक है पार्ट टाइम जॉब, तुम बताओ तुम कैसे हो और बंधु कैसी है? अच्छा मतलब तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी कोई बहन है, बंधु बहुत नाराज है तुम लोगों से, पता है कितना मिस करती है तुम्हें, और तुम होके कोई खबर ही नहीं। सॉरी यार काम में इतना बिजी हो गया कि ये सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन उससे कहना कि मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। आना जरूर आना, और हाँ अर्चना को साथ में लेकर आना। अगले ही हफ्ते मैं अर्चना से बात करता हूँ, अगले ही हफ्ते मिलने आते। मानव एक बात कहूँ, तुम फिर से फैक्ट्री को नहीं ज्वाइन कर लेते?
वैसे भी सतीश अभी तुम्हारे फेवर में है, काम हो जाएगा। तुम कहो तो मैं बात करूं। नहीं अजीत, मैं फिर से वहां नहीं आना चाहता। इस बार मैं खुद के बूते पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं वहां पे आके फिर से काम नहीं करूंगा। जैसे तुम ठीक समझो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चलो चाय तो पी सकते हैं। चलो। क्या वैशु, तू क्यों नहीं आई मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए? तुझे पता है ब्लॉसम में इतना अच्छा कलेक्शन आया, मैंने तो आधी दुकान खाली कर दी। तू मेरे साथ होती ना तो हम दोनों मिलकर पूरी दुकान लूट लेते। तुझे पता है सुबह से इतनी घूम रही हूँ ना, एक शॉप से दूसरी शॉप, इतनी धूप है ना, थक चुकी हूँ और बहुत प्यास भी लग रही है, लेकिन यहाँ पे कोई दुकान ही नहीं है कुछ भी लेने के लिए। क्यों, शॉपिंग करके तेरा पेट नहीं भरा? वेरी फनी। अरे मजाक कर रही थी। और वैसे तूने मेरा काम किया या नहीं? हाँ हाँ बाबा, मैंने ले लिए, तू टेंशन मत ले। अच्छे काम पर लगा दिया ना तूने मुझे। कच्ची कैरी और इस मौसम में कितनी मुश्किल से ढूंढ निकाली है पता है। अच्छा ठीक है, चल रखती हूँ फोन। ओके बाय बाय। धर्मेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो वरुण के सामने होटल में ये सब बातें नहीं हो पाएंगी। माधुरी, ये भी कोई जगह है बात करने की? माधुरी, हमारी बात बहुत सीरियस बात है, ऐसे सड़क पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। धर्मेश, आप हमेशा मेरी बात को टाल क्यों देते हो? वैसे भी मुझे आपसे कुछ पैसे भी चाहिए थे। देखो, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। और तुम एक बात याद रखना, हम मुंबई में, यहाँ हम इतनी रेगुलरली नहीं मिल सकते, किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। धर्मेश, यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं इनसे मिलने आया था। और ये शी इज माधुरी, मेरे ऑफिस में काम करती है। अच्छा, इनको कुछ पैसे की जरूरत थी तो। अच्छा अच्छा, बाय द वे माधुरी, ये वर्षा है, मेरी बड़ी साली। हेलो मैम। हेलो वर्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शॉपिंग करने आई थी, ये देखो ना, घर जा रही थी, तुम्हें देखा इसलिए रुक गई। अच्छा धर्मेश, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हम लोग यहाँ से चले। हाँ। अच्छा बाय द वे, एक मिनट, ये रखो, वैशु प्रेग्नेंट है ना, तो उसे कच्ची कैरिया खाने का बहुत मन कर रहा है। उसने खास फोन करके मुझे बोला था कि उसके लिए ले आए, तो मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, या अपने पास रख लो, इसे याद से दे दे। अब चले यहाँ से। हाँ। सचिन कहाँ है? होगा किसी घर में। अरे मतलब हमारा तो एक ही घर है। अरे मैं पड़ोसियों के घर की बात कर रही हूँ। अरे सचिन अपना चलने लगा। अभी फालतू जोक मत कर रहा। वो चलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। अरे वो लक्ष्मी के घर गया होगा, वहाँ से किसके घर में होगा, और क्या है। कैसे और दे रही तू? तेरा पोता, और तुझे मालूम नहीं वो कहाँ है? अरे बाबा, एक बार इस चौकट के बाहर गया ना बच्चा, तो जाता है एक घर में और निकलता है दूसरे घर से।
रोता है किधर और सोता है किधर, दूध पीता है उधर और खेलता है उधर। अरे क्या करने का, मैं भी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। ऐसी औरत है ये, इसको तो ब्रेक ही नहीं है। क्या 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 बोला? कुछ नहीं, मैं बोला वो सचिन अपना आजकल कैसे दौड़ने लगा ना, यहाँ वहाँ वहाँ। मैं देख के आता हूँ, उसको ढूंढ के आता हूँ। सचिन बच्चे को संभाल नहीं सकती। अरे बच्चे को तो संभाल संभाल के इतना बड़ा किया है, हाँ? बेवड़ा खुद बेवड़ा मार के खराटे लेते सोता है दिन भर। सब घर का काम बच्चे को संभालने का मैं करती हूँ और यह आया बड़ा। जाने दो, अभी मैं मुंह नहीं खोलती, खोलूंगी ना इज्जत का फालूदा हो जाएगा। बोलो सतीश, कैसा है तू? क्या रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? बहुत ही बढ़िया, लोगों को खाना पसंद आ रहा है। बस दिन ब दिन बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ग्रेट हाँ, तू बस दूर से ही तारीफ कर। एक साल हुआ मुझे यहाँ शिफ्ट हुआ है, एक बार भी तू धानी विलेज खाना खाने नहीं है। नहीं यार, थोड़ा सा काम में फंसा हुआ था इस वजह से। चल ठीक है, हाँ एक काम कर, परसों गवर्नमेंट हॉलीडे है, महीने को साथ लेकर खाने पर आ जा। अरे नहीं यार, एक्चुअली क्या है कि परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं एक छोटी सी पार्टी प्लान कर रहा हूँ। तो ये पार्टी धानी विलेज में कर, एकदम चौकस तैयारी कर दूंगा, अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिला दूंगा तुम्हें। एक्चुअली वाइफ की किसी से बात हुई है, चलो ठीक है मैं एक बार वाइफ से बात करता हूँ फिर देखता हूँ। ए यार, इस आदमी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे क्या हुआ, किसको गाली दे रहा है? अरे एक वेटर है, अभी ज्वाइन हुआ है। जब से ज्वाइन हुआ है ना, तब से नुकसान किया जा रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे जाना होगा। चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ क्या कर रही हो तुम? अरे वो पर्दा ठीक कर रही थी। तो पर्दा ठीक करने के लिए इतना उछलने की क्या जरूरत है? इसको ऊपर टांग के रखा है तो क्या करूं? आओ इधर आओ, आओ। तुमको पता है ना, तुम माँ बनने वाली हो तो ये उछलना कूदना तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जब तक तुम्हें पता नहीं था तब तक ठीक था, अब जब तुम्हें पता चला है तो इतना प्रिकॉशन से नॉर्मल। धर्मेश एक बात कहूँ, तुम मेरी इतनी केयर करते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें पता है तुम कितने रोमांटिक लगते हो? आज तक तुम इतने रोमांटिक कभी नहीं लगे। यशु ये बच्चा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा वारिस, मेरा नाम और मेरा काम दोनों को बहुत आगे बढ़ाएगा। जिस दिन से मैंने तुम्हें इस नौकरी पर रखा है उस दिन से इस कंपनी का नुकसान ही नुकसान करते आ रहे हो तुम। बस अब बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं सर, बस एक कुछ नहीं सुनना है मुझे, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। एक मिनट मैनेजर। आप जानती नहीं ऐसे लोगों को, ये अपनी गलती छुपाने के लिए 10 बहाने बनाएगा। आप अभी भी यूके से आइए, मैं देख लूंगा इसे। Let me talk to him. Yes, Manav. How can I help you? मैं इस होटल की मालिक की बेटी हूँ। मैं मुझसे गलती हो गई, और मैं इस गलती का कोई बहाना नहीं देना चाहता। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका और दें तो आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। मैं प्लीज, मैं मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज। यस मानव, आपको मौका मिलेगा। लेकिन मैम, मैनेजर, इस लड़के में अपना गलती मानने की हिम्मत है, ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। मिस्टर मानव अब ये रहेंगे और वो भी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ। मैम, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो ऑनेस्ट और लॉयल होता है। So, Mr. Manav, all the best. Thank you. Thank you. क्या करूं? कैसे कहूं सतीश से कि
मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते को फिर एक बार आगे बढ़ाना चाहती हूँ। माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या वो इसलिए राजी होगा? सतीश, पार्टी की लगभग सारी तैयारियां हो गई है। सबको इनविटेशन दे दिया है, केटरर्स, डेकोरेटर्स, सबसे बात हो गई। सतीश, 2 दिनों बाद हमारी शादी की सालगिरह है, और जानते हो, जब भी मैं इस वक्त के बारे में सोचती हूँ जो हमने साथ में गुजारा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें दुख और परेशानी के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, और यकीन मानो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सतीश, मैं हमारी शादीशुदा जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ। सतीश, मैं हमारे रिश्ते को हर तरह से निभाना चाहती हूँ। अगर बच्चों के बिना शादी अधूरी है, तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हमारे रिश्ते को कामयाब बनाने की तुम्हारी हर कोशिश में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, मेरा एक काम है तुम्हारे पास। हाँ, कहो ना। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अर्चना को जाके इनवाइट करो। क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अभी तो तुम बोल रही थी कि अपने रिश्ते की एक नए तरीके से शुरुआत करनी है। हाँ। अब क्या हुआ? वर्षा, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका भी माहौल बदलता है, और हमें उन्हें साथ में लेकर चलना है। पुराने किले शिकवे मिटा करके हमें एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है, और अगर तुम अर्चना को बुलाने जाती हो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे क्या वर्षा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो वर्षा? मुझे नहीं पता, सुबह से बहुत अनइजी फील हो रहा है। नहीं, मुझे बताया नहीं यार, तुम ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हो अपने साथ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो आओ। इसे भी खा लो और मीठा गुड़ बनाऊंगी। मानव, आप इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मतलब आप रोज लेट आते हैं। तो मैंने अपने बॉस को कहा कि आज मुझे अपनी पत्नी से मिलने का मन कर रहा है, कि मेरी बॉस की भी नई शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। मानव, आप भी ना। सतीश। हाँ जी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि वर्षा जंक फूड बहुत खाती है, पिज्जा बर्गर। मैं लाख मना करता हूँ लेकिन वो मानती नहीं। दिक्कत तो होगी ना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको जो कहने जा रही हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको वर्षा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसके फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी डिस्टर्ब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं बस ये कहूंगी कि आप उसका पति बन के नहीं, दोस्त बन के ख्याल रखिए। एक 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 मिनट डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ भी घुमाकर मत बोलिए। जो भी कहना है साफ बोलिए आप। क्या प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर सतीश, वर्षा के पहले बच्चे के अबॉर्शन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। आई एम सॉरी, लेकिन वर्षा कभी माँ नहीं बन सकती।